गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 13 सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, टिक द वर्ड्स दैट मेक सेंस. जो सेंस बनाएंगे उनको आपको टिक करना है. लिली प्ले गार्डन, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. लिली प्लेज इन द गार्डन, लिली गार्डन में खेलती है, इट इज़ करेक्ट. रमन रेड शर्ट, इट इज़ रॉन्ग. रमन वियर्स अ रेड शर्ट, इट इज़ राइट. इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, टू एंड फोर मेक कम्प्लीट सेंस ऑन देयर ओन, दे आर कॉल्ड सेंटेंसेज. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस. एक ऐसा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा कम्प्लीट सेंस बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेंटेंसेज. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टिक द वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेज. इनको हमको टिक करना है जो सेंटेंसेज है. इन द सैंड, क्या है इन द सेंड, कुछ भी नहीं पता है इसमें आपको, इसलिए इट इज़ रॉन्ग. देयर आर शेल्स इन द सैंड, सैंड में शेल्स हैं, इट इज़ करेक्ट. ऑन द बॉक्स, इट इज़ रॉन्ग. द रेड इज सिटिंग इन द बॉक्स, इट इज़ करेक्ट. अ रेड कैन, इट इज़ रॉन्ग. ही पिक्स अप अ रेड कैन, इट इज़ करेक्ट. वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock. सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है. यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर कम्प्लीट सेंटेंसेज. पहले इसमें आपको सर्च करना है कौन से कम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर दैट. आई एम रिहाना, इट इज़ करेक्ट, सो वी विल पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड. Brother Ali, Brother Ali, it is wrong. My brother's name is Ali, it is correct, so we will put a full stop. We will go to the zoo, it is also correct, so we will put a full stop. We will lions, it is wrong. We will see lions there, it is correct, so we will put a full stop. Monkeys jumping, it is wrong. We will also see monkeys jumping on the trees, it is correct, so we will put a full stop. It will be great fun, again it is correct, it is that means it, we have to put a full stop. Will fun, it is wrong. We use a question mark at the end of the sentences that ask something. Are you Nina Jain? हम कभी भी जिससे question करते हैं कुछ चीज़ पूछेंगे, then we will put a question mark at the end. Use a full stop or a question mark in the following sentences. Can we go to the pet shop? वो पूछ रहे हैं कि हम क्या pet shop जा सकते हैं, so it is a question, then we will put a question mark after it. You can go to the pet shop, it is a sentence, so we will put a full stop. Is that a fox? It is a question, so we will put a question mark. It is not a fox, again it is a sentence, so we will put a full stop. Do you like noodles? क्या आपको noodles पसंद है? It is a question, so we will put a question mark. I like noodles, it is a sentence, so we will put a question, put a full stop. When did you get the toy? Get the toy, toy aapko kab mila? It is a question, so we will put a question mark. My friend gifted me a toy on my birthday, it is a sentence, so we will put a full stop. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, देन यू विल यूज अ कैपिटल लेटर. री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स एज रिक्वायर्ड. कैपिटल लेटर्स से फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जो भी जैसे भी जरूरत होगी, वी विल पुट दैट. आई हैव अ पेट, इसमें आई यू हैव टू मेक कैपिटल एंड एट द एंड वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. आई हैव अ पेट, सेम आंसर हो जाएगा, बस आई चेंज हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा बाद में. माय पेट इज स्मॉल, अगेन माय का एम कैपिटल एंड एट द एंड फुल स्टॉप. इट इज रेड, अगेन आई कैपिटल एंड एट द एंड फुल स्टॉप. इट कैन स्विम, अगेन आई कैपिटल एंड एट द एंड फुल स्टॉप. इट लिव्स इन वाटर, अगेन आई कैपिटल एंड एट द एंड फुल स्टॉप. कैन यू टेल वॉट माई पेट इज, इट इज़ अ क्वेश्चन, सो वी विल राइट सी कैपिटल एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क. डू यू वॉन्ट टू प्ले विद माई पेट, इट इज़ अ क्वेश्चन, सो वी विल डू डू का डी कैपिटल एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क.